Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class. Welcome to the class now. सब लोगों को खुशामदीद और जो हमारा session है, it is class for our class for introduction to economics and finance. उसकी discussion है, उसके हवाले से discussion करेंगे. CF2 जो हमारा सब्जेक्ट है टू इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस इसकी डिस्कशन है. थोड़ा सा आज के दिन में तो कुछ इंट्रोडक्शन टाइप की चीज ही होगी. आज के दिन में हम डिस्कशन स्टार्ट ही करेंगे. कुछ मैं अपने बारे में बता दूंगा, कुछ मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहूंगा ताकि एक हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके कि किस तरह की हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आई गेट फ्रॉम यू. उसकी बेस पे वी विल डिसाइड. सर थोड़ा सा अपना तो इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूँ. मेरा नाम तो आपको पता ही है, जाहिद नूर. आई एम एन FCA और पैट में मैं पिछले कुछ दो साल से टीच कर रहा हूँ. उसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, उससे पहले तकरीबन तो दो तीन साल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में टीच करता रहा हूँ. पैट में मैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस इसी क्लास को टीच कर रहा हूँ फॉर द लास्ट टू इयर्स अराउंड. मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं आर्टिकल्स मेरे EY से, अर्नस्ट एंड यंग से, EY से जिसको फोर्ड रोड से ज़्यादातर कहते हैं, और क्वालिफाई मैंने किया था दिसंबर 2006 की अटेम्प्ट थी. दैट वॉज द अटेम्प्ट इन विच आई क्वालिफाइड. और उसके बाद आई हैव वर्क्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन लाइक मिलर सेक्टर, NLC, मिलर एंड टायर, इनके साथ मैंने काम किया. और लास्ट अप टू 2006-07 से 2014 तक मैंने इंडस्ट्री में काम किया. और फ्रॉम 2014 टिल नाउ मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ. अब करंटली व्हाट आई एम डूइंग फ्रॉम 2014 टू 2018 to date, I am running my own practice. CA firm अपनी, उसका काम कर रहा हूँ. उसमें मतलब practice कर रहे हैं, audit, tax, consultancy services, different clients को वो provide करते हैं. तो हम अपनी own practice अपने ही नाम से जाहिद नूरन को तो ये स्टार्टर कंटेंट्स ये अब हम काम कर रहे हैं. और इसके अलावा ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है. मेरे चार बच्चे हैं, चारों बेटे हैं, और बाकी बेसिकली मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ. और फ्रॉम
96 onward मैं लाहौर में ही based हूँ और 96 से 98 मैं government college में आ गया था GC government college में और government college से मैंने general science में FA in general science math and economics के साथ FA किया था from 96 to 98 और फिर 98 से 2006 तक I was engaged 99 to 2006 I was engaged with ICAP और CA और उसके बाद से फिर मैं different चीजें जो ये आपके साथ discuss कर लिया ये थोड़ा सा मेरा brief introduction अच्छा आपके introduction में मुझे क्या चाहिए आप अगर बराए मेहरबानी सब लोग अपना जो FA या FSC आपने क्या किया हुआ मेडिकल है कि प्री इंजीनियरिंग है ये मेंशन कर दें मुझे थोड़ा सा एक मुझे आइडिया हो जाएगा दूसरा क्या आप बेसिक आर कोर्स ऑफ IAF attended already or not कोई attend किया है और कोई आपने paper इसका IAF का paper कोई attempt किया तो वो ये तीन चीजों से मुझे थोड़ा सा idea हो जाएगा class के structure का और मुझे पता चल जाएगा कि class में किस तरह के लोग हैं गुरु teachers हैं या newcomers हैं किस तरह के लोग हैं थोड़ा सा ये message में ये सिर्फ चीजें ये लिख दें मुझे मुझे idea हो जाएगा Alisha, Fiza, Fozia, Numan और waiting for name अच्छा और साथ में मुझे अगर लोकेशन का भी बता दें फोजिया फिजा अलीशा और नुमान मुल्तान कुहार वाकेंट माशाल्लाह मतलब ये हमारा इस मीडियम का एक यूनिक फायदा है कि इसकी रीच बहुत दूर दूर तक होती है कोहटा रावलपिंडी गुड चले तो हमारी क्लास का स्ट्रक्चर जो अटेंडेंस में है इस वक्त उनसे तो हमें ये आइडिया आ रहा है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का साथ आपका पहला ये बाज़ाब्ता रब्ता होगा और बाकी लेट्स सी के हम चीज़ों को इस तरीके के साथ अरेंज करेंगे कि ये सारी क्लास हमारी साथ साथ चल सके और जिन्होंने पहले कॉमर्स में अगर पढ़ी भी हुई है तो उनको इकोनॉमिक्स का कुछ आइडिया तो होगा लेकिन ICAP के हवाले से कुछ हमें चीज़ों को थोड़ा सा गहराई में देखना या ICAP का जो स्टडी मटेरियल है उसको हमें थोड़ा सा बेहतर अंदाज में समझना है तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट इशू तो जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी भी हुई है उनके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और जिन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ी हुई उनके लिए भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ हम जब क्लास में आते हैं तो क्लास का हमें या किसी भी काम का हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर बना कर रखना चाहिए ऑब्जेक्टिव इज मस्ट बी क्लियर आप
आज सुबह उठे हैं, क्यों उठे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। आप इस क्लास में स्पेशली अपना टाइम निकाल के आप लॉग इन हुए, लॉग इन होके आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, आपको उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। सिर्फ फॉर द सेक ऑफ टाइम किलिंग, यार अच्छा चल कुछ और नहीं कर देते, आई कर लीजिए, नहीं। अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव होगा तो आपकी क्लास से पार्टिसिपेशन, आपकी चीजें डेफिनेटली कुछ और एंगल से होंगी। और अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव होगा कि आई वॉन्ट टू डू सी ए, मैं चार्ट कॉन्टेंट बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ, और उसके लिए जरूरी है कि मैंने तमाम जो मेरे पास कोर्सेज हैं उन कोर्सेज को, उन पेपर्स को मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना। तो उसी ऑब्जेक्टिव की वजह से आज मैं जो आप इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की क्लास में आए हुए हैं, तो आपका यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जी आप इस अटेम्प्ट में आपने इसको क्लियर करना है। मार्च 2019 की अटेम्प्ट विल बी द लास्ट अटेम्प्ट कि आपको आईईएफ की कोई डिस्कशन को बातचीत करनी पड़ रही है, उसके बाद आपने आईईएफ की कोई डिस्कशन को बातचीत नहीं करनी। दिस अटेम्प्ट इज द ओनली अटेम्प्ट यू आर डिस्कसिंग दिस सब्जेक्ट, और उसके बाद आपके बाद आपके पास दूसरे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना है टू अचीव योर फाइनल गोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। क्लियर है जी? तो ऑब्जेक्टिव जब क्लियर होगा हम इंशाल्लाह बेहतर अंदाज में काम करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव सिर्फ फॉर द सेक ऑफ टाइम पासिंग, चल यार कर लीजिए, चल यार कुछ नहीं, वो होगा तो फिर उसका फायदा कोई नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव मैं आपके लिए भी रखता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव मैं अपने लिए भी रखता हूँ। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि चलो पैसे कमा लेते हैं, कोई नहीं एक क्लास पढ़ा लेते हैं, तो मेरा पढ़ाने का अंदाज फर्क होगा। और अगर मैं इस ऑब्जेक्टिव के तहत आ रहा हूँ कि यार अच्छा चल ये एक शौक है, पढ़ाने का शौक है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करूंगा, लोग कुछ सीख लेंगे, कुछ चीजें जो आपने पढ़ी कुछ सीखी कुछ डिस्कस की उनकी बेस के ऊपर, चल कुछ लोगों का फायदा हो जाए, कुछ लोगों को समझ आ जाए, शायद मेरी बात समझा सकूं तो बेनिफिट हो जाए किसी का। तो जब मैं इस ऑब्जेक्टिव के तहत आता हूं तो मुझे मेरा मोटिवेशन लेवल, मेरा कंडक्ट इन द क्लास इज डिफरेंट। और अगर मैं सिर्फ इस मोटिव क्या हूँ कि अच्छा चल यार पैसे पूरे हो जाएंगे, घंटा पूरा हो जाए, पैसे बन जाए, तो फिर मेरा कंडक्ट इन द क्लास विल बी डिफरेंट। सो स्टूडेंट टीचर दोनों के लिए जरूरी है कि वो ऑब्जेक्टिव क्लियर रखें। ऑब्जेक्टिव वाई, इसके ऊपर एक बड़ा साइमन सैनिक है, उसने बड़ा तीन चीजें उसने कहा जी कि हम फोकस अपना लूज कर देते हैं, व्हाट हाउ एंड व्हाई। ये तीन डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं। आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जी? पेपर पास करना है। ठीक है यार पेपर पास करना है तो पेपर पास करने के लिए आपकी एक्टिविटी, लेकिन वो पेपर पास करना सिर्फ एक चीज है। आप उससे पेपर पास क्यों करना चाहते हैं? ताकि मैं इतना इस तरह का चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊं जिसके पास सफिशिएंट नॉलेज फॉर द बिजनेस, फॉर द जॉब मौजूद हो। तो ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा फोकस सारे का सारा, अगर सिर्फ वट पे फोकस हो जाए कि पेपर पास करना है तो पेपर तो पास हो जाएगा। आईईएफ का पेपर पास करना तो बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है, इट्स एन ईजी जॉब, इट्स एन ईजी असाइनमेंट। बट जो हमारा मेन फोकस और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर भी क्लियर करना है, और दूसरी चीज क्या करनी है, ऑब्जेक्टिव कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, स्टडी क्यों किया जा रहा है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि एट द एंड ऑफ द डे वी बिकम अ द बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम अपने प्रोफेशन में अपनी ऑब्जेक्टिव को हम ज्यादा बेहतर अंदाज में
और ये जो साइकिल है, ये थ्री क्वेश्चंस का जो साइकिल है, ये आप हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं नमाज क्यों पढ़ रहा हूँ, किस मकसद के लिए पढ़ रहा हूँ, यार अब्बू देख रहे हैं तो अब्बू को खुश करने के लिए नमाज पढ़ लेता हूँ, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव फर्क हो गया, आपका नीयत फर्क हो गई. जो इस्लाम में कहते हैं ना नीयत, कि नीयत आपकी ठीक होनी चाहिए, तो वो नीयत ठीक होनी चाहिए. आप वो नीयत को ठीक कर लेंगे तो आपकी मामला बहुत सारे चीजें क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आ जाएंगी. अच्छा जी, कोई इसमें किसी का कोई क्वेश्चन फॉर दिस सब्जेक्ट, कोई स्पेसिफिक कोई उसको क्वेश्चन है कोई, तो अब हम थोड़ा सा जी. अच्छा अच्छा, ये जो हमारा मीडियम है, इस मीडियम के अंदर एक सबसे थोड़ा सा एक इशू है, वो इशू है फीडबैक का. तो मैं जब मैं लाइव क्लास में किसी को बता रहा होता हूँ, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी मामलात में देख के मुझे पता चल जाता है कि लोग कितने इंटरेस्ट हैं. कोई जमाइयाँ नहीं शुरू कर दी सो गए, या जाग रहे हैं, मेरी बात सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा, किसकी तवज्जो मौजूद है, किसकी तवज्जो नहीं मौजूद है. तो वो फिजिकल इंटरेक्शन के जरिए से आप सामने देख कर पता कर लेते हैं. और यहाँ पे क्योंकि हम थोड़ा सा रिमोट बैठे हुए हैं, आप रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं, मैं लाहौर में बैठा हुआ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो हमारे दरमियान में एक फिजिकल गैप है. उस फिजिकल गैप को कवर करने के लिए जरूरी है कि आप चैट बॉक्स के अंदर ओके यस नो हाउ जैसे कैसे कोई ना कोई आप सवाल अपनी तरफ से लिखते रहे. अगर आपने सवाल ना लिखा तो मुझे लगेगा कि मैं यहाँ पे दीवार, एक छोटा सा कमरा है ये जिसमें मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, जिसका हम स्टूडियो के अराउंड 8x10 का कमरा होगा, तो इस स्टूडियो में दीवारों से बातें करके मैं चला गया, मुझे इस तरह लगेगा. तो अलीशा पूछ रही है जी, सर पेपर में एग्जैक्ट बुक की वर्ड लिखने हैं या जो आप कॉन्सेप्ट देंगे उन्हें अपने वर्ड में लिख सकते हैं? तो अलीशा बिल्कुल आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करेंगे. पेपर आईकैप का पेपर सिंपल पेपर नहीं होता, उसमें वो आपकी आपके कॉन्सेप्ट्स को ऊपर हिट करता है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो वो आपको मार्क्स देता है. और बहुत गुस्सा करता है आईकैप का एग्जामिनर जब आप बोंगी मारते हैं, वो मैं इसको बोंगी ही कहता हूँ इंग्लिश में भी. When you put some bongi on the paper, examiner become very angry. Bongi, जिसको उर्दू में भी बोंगी ही कहते हैं, बोंगी नहीं मारनी बस, वो उसके ऊपर examiner कहता है कि जी के हाँ इसको इतना भी concept नहीं है तो इसको मैं किस तरह से. तो जो भी concepts आपके clear हों, concepts clear होंगे, पेपर पास करना इज नॉट डिफिकल्ट टास्क. IEF का पेपर तो मैं कह सकता हूँ इंशाल्लाह आप सब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं. अगर आप मेरे साथ कंटिन्यूसली चलते रहें तो इंशाल्लाह हम फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर लेंगे, कोई उसमें मुश्किल नहीं. सिर्फ जो है वो जो ICAP के एग्जामिनर को समझना है कि एग्जामिनर हमसे क्या चाहता गया, उसको देखना. अच्छा, दूसरा पेपर होता क्या है, इस पेपर का के अंदर हमें इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक एंड फाइनेंस कहा हुआ है उसने. पेपर में इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की बातें की हुई हैं. और जनाब अली, इसमें हमारे पास हमारा इस पेपर को दो हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स. हम इसमें मजीद तफसील में देखेंगे कि माइक्रो होती क्या, लेकिन सिर्फ अभी बाइफर्केशन कर सकते हैं हम और मैक्रो इकोनॉमिक्स. टॉपिक्स जो उनसे हैं वो डिफरेंट, दो डिफरेंट ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर हम डिफाइन करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स.
पेपर का जो पैटर्न है, पेपर के पैटर्न में वो क्या कहता है, मैं आज के दिन स्टार्ट में ही पेपर का पैटर्न डिस्कस करता हूं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है क्लैरिटी के साथ क्लियर करना इसको। तो हम जब भी स्टडीज कर रहे हैं, हमें पता हो कि हम उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम जाना है, कल को जब मार्च में हमें पेपर मिलेगा तो उस पेपर में क्या चीज होगी, किस तरह का पेपर होगा, उसके हवाले से हमारी स्टडीज फिर उस डायरेक्शन में चलती रहे। पेपर को बाइफरकेट करता है टू सेक्शंस के अंदर, सेक्शन ए, इसके अंदर सेक्शन ए के अंदर वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को और सेकंड चीज वो आपसे पूछता है एमसीक्यूज, एमसीक्यूज दोनों के होते हैं, माइक्रो मैक्रो दोनों के एमसीक्यूज होते हैं और इसमें चॉइस नहीं होती, नो चॉइस, उसने आपको पेपर देना है, उसने आपसे कहना जनाब अली बराए मेहरबानी जितने सवाल मैंने लिखे हैं उन सभी सवालों को आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर दें जिस तरह से आपको समझ आती है, तो उसके अंदर कोई वो चॉइस नहीं होती। एमसीक्यूज होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें तकरीबन अराउंड 20 के करीब एमसीक्यूज होते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ 4 के करीब क्वेश्चन होते हैं जिसके कुछ पार्ट्स होते हैं और उसके अंदर वो कर रहा होता है। एंड देन सेक्शन बी, सेकेंड सेक्शन, वो इसके अंदर वो पूछता है आपसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड सेकेंड फाइनेंस, फाइनेंस का कोई जो सवाल है इसमें चॉइस होती है अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस की, 2 to 3 क्वेश्चंस की वो चॉइस दे देता है आपको, वो 6 सवाल दे देगा कहेगा 4 अटेम्प्ट कर दें, 7 दे देगा कहेगा 4 अटेम्प्ट कर दें, तो वो इस तरीके के साथ आपका टोटल 100 मार्क्स का और बाइफरकेशन तकरीबन 50-50 की बाइफरकेशन तकरीबन बनती है माइक्रो और मैक्रो सेक्शन ए और बी के दरमियान में 50-50 के करीब की बाइफरकेशन होती है। जी कोई अब तक तो मुश्किल तो नहीं, सिंपल सा सवाल, सवाल जवाब हम कॉन्सेप्ट तो अभी तक मैंने डिस्कस किया ही नहीं, थोड़ा सा मैं बीच में जगाने के लिए, क्योंकि बार बार मुझे ये लगता है ना, क्योंकि वही बात कि मुझे पता नहीं है कि आप जाग रहे हैं सो रहे हैं क्या, वो किस तरह की आपके मूड चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा बहुत चीज़ों को तंग करता रहता हूँ। क्या ख्याल है जी फोजिया, ठीक है, जाग रहे हैं, अच्छा जी जाग रहे हैं, और अलीशा भी जाग रहे हैं, अलीशा भी जाग रहे हैं जी, चलें डैश बोर्ड, जागते रहना भैया, तो साढ़े तीन ना रहना, वो नहीं नारे लगाते होते वो, जागते रहना तो साढ़े तीन ना रहना, अच्छा जी लेट्स गो टू दी सब्जेक्ट टॉपिक ऑफ द, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, आपका क्या ख्याल है इकोनॉमिक्स क्या है, अलीशा फिजा फौजिया नुमान एंड वेटिंग फॉर नेम, इकोनॉमिक्स क्या है, क्या ख्याल है आपका इकोनॉमिक्स क्या होती है, नॉक नॉक,
अच्छा जी, सोशल साइंस स्टडी और सोशल साइंसेज। अच्छा जी, मजे की बात है कि इकोनॉमिक्स ऐसी स्टडी है जिसको के हम आप सब भी पूरे दुनिया के तमाम लोग हर शख्स किसी ना किसी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहा होता है। ऐसी सब्जेक्ट है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप खुद से इंगेज हो रहे होते हैं। यू आर इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्या ख्याल है किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप इंगेज होते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज होते हैं किसी? कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में? आप मार्केट में गए, कोई कपड़े खरीदे, कोई जूते खरीदे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई आपके पास चीज थी वो आपने बेची, इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ आपने सैलरी कोई जॉब की, जॉब करते हुए आपने कोई काम किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जी आपने खाना खाया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपने सोने के लिए कोई घर बनाया, रहने के लिए कोई घर बनाया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर शख्स इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंगेज होता है। हर शख्स इकोनॉमिक डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन ले रहा होता। जी हम सब के सब लोग इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि जी हम समझें कि इकोनॉमिक डिसीजन ही मिनिस्टर ऑफ फॉरेन, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने लेने, मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने लेने। नहीं सर, हर इंडिविजुअल जो भी शख्स है वो इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक डिसीजन ले रहा है। हम भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूं। यार अच्छा, मैं अपना टाइम बजाय इसके कि मैं अपने ऑफिस में लगाऊं, चलो मैं जाके पढ़ा देता हूं। आपने भी इकोनॉमिक डिसीजन लिया कि यार मैं किसी और के पास ऑनलाइन क्लासेस लेने के बजाय पैक की ऑनलाइन क्लासेस ले लेता हूं। मैं इस्लामाबाद में जो है नुमान से चला गया, तो वो बजाय इसके कि वहां पे फिजिकल कॉलेज में किसी जाए, ऑनलाइन क्लासेस ले लेता हूं। तो हर शख्स फिजिकली, हर शख्स किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक डिसीजन ले रहा होता है। तो जो बात कही थी सिजा ने कि जी के ये सोशल स्टडी है, सोशल साइंसिस के अंदर आता है, ये सोशल साइंसिस के अंदर आता है, बिल्कुल ठीक है। ये जी सोशल साइंसिस के अंदर आता है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जो जो साइंसिस डिस्कशन करती हैं, उनको हम सोशल साइंसिस कहते हैं। सोशल साइंसिस कौन सी होती हैं? जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में डिस्कशन करें, कौन कौन सी हो सकती हैं? साइकोलॉजी, साइकाट्रिस्ट, आपकी इकोनॉमिक्स, आपकी सोशियोलॉजी, और सारे जो कि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइंसेस के बारे में डिस्कशन करती हैं, दीज आर कॉल्ड सोशल साइंसेस। और जो नेचर के हवाले से डिस्कस करती हैं उनको हम नेचुरल साइंसेस कहते हैं। नेचुरल साइंसेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो हमारे डिफरेंट हमारे पास है, उनको हम नेचुरल साइंसेस का नाम देते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि हर शख्स तो इंगेज होता है, हर शख्स डिसीजन ले रहा होता है, हर शख्स कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा होता है, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का हम पार्ट होते हैं।
लेकिन इन एक्टिविटीज के अंदर हम क्या चीज देख रहे होते हैं, व्हाट इज द इशू, मेन इशू क्या है, मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, जिसको हम इकोनॉमिक्स की जुबान में मेन बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं, वो क्या है। हर शख्स को बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ता है, आप रोजाना की बुनियाद पर उसका सामना करते हैं, वो क्या चीज है, वो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। आपको देखना पड़ता है कि आपके रिसोर्सेस कितने और आपकी डिमांड्स, आपकी नीड्स क्या है, इन दोनों को आपको बैलेंस करना पड़ रहा होता है। ऐसा ही है, मेरे पास 100 रुपया है, मैं उससे मैं बोतल भी खरीद सकता हूँ, बर्गर भी खरीद सकता हूँ, तो मेरे पास 100 रुपया खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है आइसक्रीम भी खाऊं, तो मेरे पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है, नीड्स बेतहाशा होती हैं, नीड्स अनलिमिटेड हैं, मेरी ख्वाहिशें, वो तो वो जो उर्दू में शेर भी है ना, ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले, तो वो सिचुएशन हर किसी के साथ मौजूद होती है। हर शख्स ये चाह रहा होता है कि अच्छा और अच्छा और अच्छा और, वो अच्छे से अच्छा और की तलाश में चलते रहते हैं, और तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, वो वाली सिचुएशन चलती रहती है। तो उस सिचुएशन के अंदर, इस मामले के अंदर, जहां पे रिसोर्सेस को कंपेयर करना पड़ जाता है हमें अपनी नीड्स के साथ, जी फिजा बता रही है कि एंडलेस लिस्ट ऑफ डिजायर्स, आपकी ख्वाहिशें बेतहाशा, लेकिन आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड, और नीड्स के अंदर एक और भी मसला है, ये अनलिमिटेड आती हैं, ये रीकर भी कर लेती रीअकरिंग, रीअकर का मतलब दोबारा आ जाती है ना, एक दफा खाना खाया 2 घंटे बाद फिर भूख लग गई, फिर खाना खाया 2 घंटे बाद फिर भूख लग गई, एक दफा आइसक्रीम खाई अगले दिन दोबारा भूख लग गई, दोबारा आइसक्रीम का दिल चाह, एक दफा आपने ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया, अगली दफा दोबारा आपको नेक्स्ट डे आपको दोबारा ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। तो नीड्स नॉट लाइक के जी के एक दफा आपने काम किया, इनफाइनाइट है, खत्म होगी तो बात खत्म, नहीं सर, नीड्स अनलिमिटेड है और रिकरिंग है। इसके अंदर ये भी एक मसला है, भूख हमें बार बार लगती है, जरूरियात हमारी एक दफा अगर हम उसको सेटिस्फाई कर भी देते हैं तो दोबारा से रिएक्ट कर जाती है, और दूसरी जानिब रिसोर्स वो हमारे पास लिमिटेड है और रिसोर्स फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, खत्म हो जाने, लिमिटेड है, एक दफा आपने यूज किया, दूसरी दफा आप शायद वो इस्तेमाल ना कर सकें, एक दफा आपने पेट्रोल इस्तेमाल किया ट्रांसपोर्ट के लिए, पेट्रोल इस्तेमाल करके आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, लेकिन वो पेट्रोल आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो पेट्रोल यूज हो गया, खत्म हो गया, अब आपको दोबारा नया पेट्रोल इस्तेमाल करना है। रोटी, एक दफा आपने रोटी इस्तेमाल कर ली, गंदम से आटा बनाया, आटा से आपने रोटी बनाई, रोटी से आपने रोटी खा ली, तो अब वो गंदम आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब आपको दोबारा से रिसोर्स और जनरेट करना पड़ेगा, वो वाला रिसोर्स खत्म हो गया। तो हमें ये पता चल रहा है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट नीड्स या डिमांड्स या डिजायर्स आर अनलिमिटेड। तो फिर ह्यूमंस करते क्या है,
क्या किया जाता है, आप लोग क्या करते हैं? आपके पास 10,000 रुपया अगर आपको दिया जाए, कहा जाए कि जी ये 10,000, यू हैव टू 10,000, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, तो आप भी 10,000 में एक जोड़ा ले लेंगे, एक जूता ले लेंगे, एक कहीं पे दोस्तों के साथ डिनर कर लिया, फिर कहीं पे सैर चले गए, फिर कहा वो हो यार मैंने कुछ सेविंग भी करना था, मैंने गिफ्ट भी लेना था, मैंने ये भी करना था, फिर आपको चॉइस करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट थिंग, आपको चॉइस करनी पड़ेगी, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, देयर इज एन इश्यू ऑफ चॉइस नाउ, अब आपको चॉइस करनी है, इश्यू ऑफ चॉइस है आपके पास कि आप रिसोर्सेस तो आपके पास लिमिटेड है, नीड्स अनलिमिटेड है, अब उन दोनों को आपने मैच करना है, बैलेंस करना है, एक 10,000 रुपया अगर आपके पास है तो 10,000 रुपए में जो चीजें आपने लेनी है आप उनको मैच करेंगे और उसके बराबर आपने लेकर आएंगे कि रिसोर्स और आपके जरूरियात बराबर में चल सकती हैं। तो यहां पे चॉइस का एक एलिमेंट आ गया। किसको प्रायोरिटाइज देंगे? कोई शख्स कह सकता है कि जी के मैंने तो जोड़ा लेना ही लेना है, नया जोड़ा, नया डिजाइन आया हुआ है, इस दफा ने इस पिछले सीजन में मैंने जोड़ा चेंज नहीं किया था, नया जोड़ा मैंने लेने ही लेना। कोई शख्स कह सकता है नहीं सर मैंने तो बाहर जाके खाना खाना ही खाना है, मैं काफी अरसे से दोस्तों के साथ आउटिंग नहीं की, मैं तो बाहर जाके। कुछ शख्स कह सकते हैं नहीं सर मैंने तो गिफ्ट लेना था पेरेंट्स के लिए, तो मैं तो अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट लूंगा ही लूंगा। हर शख्स की अपनी चॉइस होगी, अपने हिसाब से वो अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करेगा। क्लियर है? इसमें तो मुश्किल तो नहीं है। इकोनॉमिक्स बड़ी मजे का सब्जेक्ट है एक लिहाज से। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि हम बहुत से काम खुद कर रहे होते हैं। ये जो बातें मैं कर रहा हूं ये आप कर रहे हैं, ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि जहां नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे तो फिर एक फ्यूजन बनेगा तो आपको लेबोरेटरी में कहीं जाकर टेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा ही है। वो अगर बात करेंगे तो वो तो लेबोरेटरी में आप केमिकल डालेंगे, पता चल सकेगा कि हाँ जी उसका ये नतीजा निकलता है या नहीं निकलता। ये जो चीजें हमने, ये तो आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, मुझे भी पता है कि मेरी तनख्वाह अगर इतनी है तो उस तनख्वाह में से मैंने किसको क्या करना है, कहां पे खर्चा करना है। मैं अनलिमिटेड तनख्वाह नहीं है, थोड़ी तनख्वाह है, उस तनख्वाह में से कैसे गुजारा करना है। तो वो आपको चॉइसेस करनी पड़ती है। देर इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है यहां पे, चूज करने की प्रॉब्लम आ जाती है आपको। क्यों आई है प्रॉब्लम? ये क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, नीड्स अनलिमिटेड है। अब रिसोर्सेस और नीड्स की जो भी बात कर लें, रिसोर्सेस यहां पे हम किस किन रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं, किन रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं हम यहां पे? हम इकोनॉमिक रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं। क्या कोई रिसोर्सेस फ्री भी होते हैं? कोई रिसोर्स फ्री भी होता है? रिसोर्स क्या चीज है? रिसोर्स वो चीज है जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करता है। हमने यही देखा ना, हमने क्या किया, रिसोर्स और नीड्स को आपस में हमने मैच किया। रिसोर्स वो चीज है जो आपकी जरूरत को सेटिस्फाई करता है, दुनिया के अंदर आपकी जरूरत को सेटिस्फाई करता है। तो क्या कोई रिसोर्स फ्री भी होता है? अलीशा कह रही है कि जनाब एक है जी, एयर फ्री है। तो हम इकोनॉमिक रिसोर्स, तो अभी हमें आपसे क्या समझ आई कि इकोनॉमिक रिसोर्स वो है, देखते हैं, वाटर को भी देखते हैं, एयर देखते हैं, अभी देखते हैं। हमने यहां पे जो डिस्कशन करनी है वो हमारी डिस्कशन है इकोनॉमिक रिसोर्स की। और इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है? जो कि किसी के कब्जे में, जिसके ऊपर किसी का इख्तियार हो, उसको हम इकोनॉमिक रिसोर्स कहेंगे, नॉट फ्रीली अवेलेबल। फ्रीली अवेलेबल
or controlled by someone. किसी ने उसको कंट्रोल किया हुआ और वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, वो इकोनॉमिक रिसोर्स है, उसको हम इकोनॉमिक रिसोर्स कहते हैं। और अगर कोई ऐसा रिसोर्स है जो कि फ्रीली अवेलेबल है और किसी ने उसको कंट्रोल नहीं किया हुआ, उसको हम नॉन इकोनॉमिक रिसोर्स कहेंगे, उसकी इकोनॉमिक सेंस में कोई वैल्यू हम नहीं डिटरमिन कर सकेंगे। जी, तो इकोनॉमिक रिसोर्स जो कि फ्रीली अवेलेबल नहीं है और कंट्रोल्ड बाय समवन है, वो इकोनॉमिक रिसोर्स है। अच्छा, अब एग्जांपल में हमें कहा यहां पे कि जनाब एयर वाटर ये नॉन इकोनॉमिक रिसोर्स हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं जी, इसलिए ये नॉन इकोनॉमिक रिसोर्स हैं। लेकिन क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्या ये फ्रीली अवेलेबल है? अब वाटर आप देखते नहीं है, क्लीन वाटर जी, आप टैप वाटर मत पीजिए, वो कंटेमिनेटेड है। फॉर द सेक ऑफ योर हेल्थ प्लीज ड्रिंक मिनरल वाटर बॉटल्ड इन दिस ब्रांड नेम। तो वो आपको मार्केट में वो कह रहे हैं आप कि ये वाला पानी पीजिए, यहां पे आपकी सेहत जो है ना वो, तो आप क्लीन वाटर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। नॉट फ्रीली अवेलेबल, क्लीन वाटर इज नॉट फ्रीली अवेलेबल एंड क्लीन वाटर इज कंट्रोल्ड बाय समवन, सो क्लीन वाटर विल बिकम एन इकोनॉमिक रिसोर्स। उसी का ही आजकल सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस चल रहा है, नेस्ले कंपनी और बाकी सारी मिनरल वाटर की कंपनियां वो मार्केट पानी जो है वो जमीन से फेच कर लेते हैं, पंप आउट कर लेते हैं और मार्केट में पैसों से बेचते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी कि आप हमारे रिसोर्स को लेकर और उसको बेच रहे हैं और उसका कोई गवर्नमेंट को आपको पैसा नहीं दे रहे। इसी तरह से एयर, क्लीन एयर का भी इशू शुरू हो गया हुआ है। आप नेट पे सर्च करें, कोई चाइना में एक जगह है जहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और एक कंपनी है यूके में, वो यूके की एक काउंटी का की एयर को जार्स में बंद करके बेचती है जनाब। क्लीन एयर दे आर सेलिंग इन जार्स, वो डब्बों के अंदर बंद करके क्लीन एयर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दुनिया बहुत अब डिफरेंट तरफ जा रही है। आप आज से 20 साल पहले अगर बात करते तो हम आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त मान लेते, आपकी बात को हमें कोई बीच में इफ एंड बट ना होते और हम कहते हैं जी कि बिल्कुल सही है, एयर और वाटर फ्रीली अवेलेबल है तो वो इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है। लेकिन अब हमने देखा कि एयर और वाटर भी फ्रीली अवेलेबल नहीं आ रहा, क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर इज नॉट फ्रीली अवेलेबल हमें दुनिया में, तो ये एक तरह की हमारे लिए ये भी इकोनॉमिक रिसोर्स बनता जा रहा है। तो हम बेसिक इकोनॉमिक रिसोर्स की डिस्कशन के नॉट फ्रीली अवेलेबल एंड कंट्रोल बाय समवन, वो इकोनॉमिक रिसोर्स है। और नीड्स में कुछ हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ हमारी कंफर्ट्स होती हैं, नीड्स नेसेसिटीज कुछ हमारी कंफर्ट्स होती हैं एंड कुछ हमारी लग्जरीज होती हैं। हमारी नीड्स या नेसेसिटीज वो हमारी नेसेसिटीज कौन सी हैं जिनके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते जी, खाना, पानी, ऑक्सीजन, शेल्टर, क्लॉथिंग, ये बेसिक नेसेसिटीज हैं। हर शख्स कहेगा आई नीड फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, बेसिक नेसेसिटीज में फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग,
ये चीजें हमें चाहिए जनाब, इसके बगैर हम रोटी कपड़ा मकान, बिल्कुल रोटी कपड़ा मकान ये एक बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक चीजें हैं। अगर किसी शख्स को ये अवेलेबल नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा, वो शेल्टर उसके पास ना हो तो मकान ना हो तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो सो ये बेसिक नेसेसिटीज हैं, इनको पूरा करना हर शख्स की जरूरत है, उसने करना ही करना। फिर कुछ कंफर्ट्स हैं, फूड यार अच्छा खाना तो मुझे मिले लेकिन उसका टेस्ट भी तो अच्छा होना चाहिए यार, तुम्हें जो खाना मिल रहा है खाओ उसको अल्लाह का शुक्र अदा करो, नहीं सर थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट भी तो बेहतर होना चाहिए ना। आप मुझे आप खाना दे रहे हैं रोटी और दाल दे रहे हैं, इसके बजाय कोई चिकन वगैरह दे दें कोई, चलें सर थोड़ा सा कर लें कोई तरह क्या मसला है। तो वो अब हम क्या हुआ कि हम अब एक लेवल स्टेप अप चले गए कि दाल रोटी से भी मेरी जिंदगी गुजर सकती है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि अच्छा नहीं यार थोड़ा सा अपनी कंफर्ट का भी तो ख्याल करूं, मुझे दाल रोटी पसंद नहीं है तो मैं चिकन खाना चाह रहा हूं, कोई मैं दाल रोटी पसंद नहीं है तो मैं कुछ चावल खाना चाह रहा हूं, तो अपनी ये कंफर्ट बढ़ा रहा हूं। इसकी सिंपल एग्जांपल जो ज्यादा बेहतर है वो आपकी ट्रांसपोर्ट नीड है, मैं ट्रांसपोर्ट पे ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ता हूं, ये मुझे स्कूल आपने ऑफिस से घर जाना है या घर से ऑफिस जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ता हूं मैं ऑफिस पहुंच जाता हूं, तो मेरी बेसिक नीड पूरी कर देती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बेसिक नीड पूरी कर देती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बट मैं कहता हूं नहीं सर देखे ना मुझे जाके अपने स्टाफ पे पहुंचना पड़ता है, स्टाफ पे पहुंच में मैं अपना उसका इंतजार करता हूं, 10 मिनट लगते हैं 15 मिनट लगते हैं, फिर धिक्के खाते हुए मैं बस में चढ़ता हूं, फिर मैं उधर पहुंचता हूं मुझे फिर धिक्के खाते हुए उतरता हूं स्टाफ पे, फिर उधर से पैदल चलता हूं मैं पहुंचता हूं, तो मैं पहुंच तो जाता हूं बट इट इज वेरी अनकंफर्टेबल। तो आप कहते हैं अच्छा यार चल मोटरसाइकिल ले ले, चल गाड़ी ले ले, तो आप कार ले लें ओन अपनी ट्रांसपोर्ट ले लें, कार बाइक एनीथिंग, आप चलो कंफर्टेबल अपने टाइमिंग के ऊपर आप जाओगे अपने टाइम पे आओगे तो आप कंफर्ट वाले लेवल पे आ गए। फिर जब आपने कार ली तो कार लेके आपने कहा सर ये तो बात ना हुई ना, अब वो कार तो मेरे पास तो है लेकिन कार है मेहरान, सर बात मजा नहीं आया, मेहरान की बजाय अगर ना XLI हो जाए ना तो क्या बात है, और जो XLI जिसको दी XLI वाला कहेगा सर अगर अगर सिविक हो जाए तो क्या बात है, और जिसको सिविक दी वो कहेगा सर अगर सर BMW को वो बात हो जाए ना आहा मजा आ जाएगा। तो ये जो हम ओवर एंड अबव यहाँ हमारी लग्जरी के अंदर क्या हुआ, हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं दूसरे जराये से, लेकिन ये हम ब्रांड अपने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम ये काम कर रहे हैं, इससे कोई हमारी लग्जरी से अगर हम लग्जरी ना भी इस्तेमाल करें तो हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर पा रहे होते हैं, लेकिन लग्जरीज आर समथिंग विच आर टेकन एज ए प्राइड, वो ह्यूमन बिहेवियर की बातें हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो वो एज ए प्राइड। सर मैं किसी को बताऊंगा कि जी कि मेरे पास BMW है तो अगला बंदा तो वैसे ही जानता ना उसने तो फ्लैट हो जाना है, तो वो जो प्राइड और वो जो ह्यूमन बिहेवियर उसकी जो बातें हैं वो हम लग्जरीज से, यार मैं तो खाता ही नहीं हूं लोकल ब्रांड की चीज, दैट इज वेरी अनहाइजेनिक, मैं तो इम्पोर्टेड जो चीज है वो लेकर आता हूं वो श्रेडेड चीज दिस एंड दैट। तो वो अब क्या बात है, अब वही चीज वही पनीर जो आपको लोकल पाकिस्तान भी अवेलेबल हो सकता है आप कहते हैं नहीं यार मैं इम्पोर्टेड ही खाना, उसकी लग्जरी की बातें हम करना शुरू कर देते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स बिकम लग्जोरियस नथिंग एल्स। आपकी प्रायोरिटी क्या है, ह्यूमन बिहेवियर विल बी सर्वाइवल देन कंफर्ट एंड देन लग्जरी,
पहले आप सर्वाइवल को कोशिश करेंगे, सर्वाइवल होगी उसके बाद कंफर्ट की बातें शुरू कर देंगे, कंफर्ट शुरू हो जाएगी तो फिर आप लग्जरी की तरफ जाना शुरू कर देंगे। और अगर कोई शख्स ये कह दी कि नहीं मेरे घर में खाना ना भी हो, घर के बाहर मर्सिडीज खड़ी हुई होनी चाहिए, जरा शरीकों को अग लगे ना, खाना खाने नूं एक कतरा पानी दा एक लुकमा भी ना हो, बट घर के बाहर मेरे शरीकों को आग लगाने के लिए मर्सिडीज खड़ी हुई चाहिए BMW, तो आप उसे क्या कहेंगे? इरेशनल। आप उसको कहेंगे इरेशनल बिहेवियर। तो हम इकोनॉमिक्स में हम रैशनल बिहेवियर की बातें करते हैं। जाग रहे हैं, सो रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। काफी देर से कोई खबर लानी दी ना, तो मैंने कहा हाथ लिख के पूछ लें कि अगर आप तंदुरुस्त और सेहतमंद हैं तो हमें जवाबी लिफाफे पड़ताल फरमा दें। अच्छा जी, तो इरेशनल बिहेवियर हम इकोनॉमिक्स में नहीं डिस्कस करते। हमारा यहां में जो हमारी डिस्कशन है, सारी की सारी डिस्कशन वो रैशनैलिटी की है, रैशनल बिहेवियर की है। अभी आज के दिन के लिए हम इतना ही यहां पे कंक्लूड करते हैं। हमने किया क्या है आज के दिन में, मैं थोड़ा सा वाइंड अप कर देता हूं कि हमने इकोनॉमिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स को, डिफरेंट उसकी कॉन्सेप्ट्स को हमने समझना है। पहले हमने इकोनॉमिक्स की जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको समझा और हमें पता चला कि जनाब रिसोर्सेज आर लिमिटेड, नीड्स आर अनलिमिटेड। रिसोर्सेज को हम मींस भी कहते हैं, इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर बात करेंगे, रिसोर्सेज को हम मींस भी कहते हैं। इसका इकोनॉमिक मीनिंग, इकोनॉमिक नाम हम इसको मींस भी कहते हैं, और नीड्स को हम एंड्स भी कहते हैं। ठीक है जी, कोई इसके अंदर मुश्किल तो नहीं है? रिसोर्सेज यानी कि जो हमारे पास चीजें हैं जिनसे हम अपनी जरूरियात पूरी कर सकते हैं उनको हम मींस कहते हैं, और जो हमारी जरूरियात हैं जो कि हमने सेटिस्फाई करनी है उनको हम एंड भी कहते हैं, उनको इकोनॉमिक नाम उसका हम एंड कह देते हैं। मींस एंड एंड, रिसोर्सेज भी यूज किया जा सकता है, नीड्स भी, नेसेसिटीज भी। लेकिन अगर कहीं पे आपको मींस और एंड्स की बात हो तो मैंने कहा आपको बता दूं, आप परेशान मत हो जाइएगा कि जनाब ये तो सर ने बात ही नहीं की थी, तो वो मींस और एंड्स हम उनको कहते हैं। फिर हमारी समझ आई कि मींस और एंड्स की ये सिचुएशन है, फिर आगे हमने ठक 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 करते थे और चॉइस की डिस्कशन आई। जब हम चॉइस की डिस्कशन पे पहुंचे तो हमें पता चला कि जनाब चॉइस में हमारी प्रायोरिटाइज करनी पड़ती है, और फिर हम प्रायोरिटीज के अंदर देखना शुरू किया कि कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो हमें रिसोर्सेज को देखना पड़ा कि रिसोर्सेज को आप दो हिस्सों में तकसीम करें। पहले रिसोर्सेज होंगे आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिनके हम डिस्कशन कर रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज की हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे, और नीड्स के अंदर भी या एंड्स के अंदर भी हमारे पास तीन डिफरेंट तरह की जरूरियात की कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स और लग्जरीज, और उसके अंदर हमारी आगे आप डिस्कशन चलेगी। और तीसरा जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, दिस रैशनैलिटी कॉन्सेप्ट, कि जनाब जो आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हम डिस्कशन कर रहे होंगे वो रैशनल बिहेवियर की डिस्कशन कर रहे होंगे, इरेशनल बिहेवियर की डिस्कशन नहीं करेंगे। ऐसे शख्स का मामला को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो कि अक्लमंदी के साथ सोच समझ के फैसला करता है और सोचने की सलाहियत रखता है, वो बेवकूफाना तरीके से फैसला करने की बातें नहीं करता। तो रैशनैलिटी कॉन्सेप्ट को हमने भी देखा, स्केर्सिटी के कॉन्सेप्ट को देखा, चॉइस के कॉन्सेप्ट को देखा, तो आगे फिर हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट चीजों को चलाएंगे। होपफुली आज के दिन हमारी चीजें समझ में आ गई, कुछ हम
हमारा मोमेंटम बन जाएगा इंशाल्लाह, और फिर हम इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। और इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट का बड़ा मजे की चीजें हैं कि हम यहाँ पे जब डिस्कस करते हैं तो एक चीज दूसरे से लिंक होती है, और उस वजह से समझने में अल्हम्दुलिल्लाह आसानी हो जाती है। चलें सर, अल्लाह हाफिज़, लेट्स मीट टुमारो इंशाल्लाह, और फिर डिस्कस करते हैं कुछ बुक्स की डिस्कशन भी कल इंशाल्लाह कर लेते हैं, और कुछ जो हमारी बाइफर्केशन होगी हमारे लेक्चर्स की, किस किस तरह से हमने कैसे करना है उसको भी हम कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। जी, अल्लाह हाफिज़।